हेलो एंड वेलकम टू बुकर ज्वाइंट। आज मैं आप लोगों के लिए कुल्हड़ पिज्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं। यहाँ एक चिकन ब्रेस्ट कट इनटू स्मॉल पीसेस, साथ में हम डालेंगे दही, फिर नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, देन धनिया पाउडर, साथ में जीरा पाउडर, क्यूमिन, और फिर लेमन जूस डाल देंगे, और साथ ही साथ गरम मसाला एंड ऑरेगानो। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करके करीब एक घंटे के लिए मैरिनेशन को रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। अब डो की तैयारी करते हैं। तो वार्म वाटर ले लेंगे, साथ में ईस्ट और नमक, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर। अब आधा मैदा, मैं यहाँ पे एक कप मैदा ली हूँ, तो हाफ कप मैदा अभी पहले डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा बचा हुआ मैदा था वो सारा डाल के इसे एक अच्छा स्मूथ डो बना लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट सा। और इसको रेस्ट करने के लिए करीब करीब 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए, ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और फिर इसे ढक करके थोड़े गर्म जगह पे रख देंगे। अब गर्म पैन में बटर रखेंगे, मैरिनेटेड जो चिकन है उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसको हम लोग तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए चिकन बनने के बाद अब हम लोग इसके मसाले की तैयारी करेंगे। तो चिकन, जो भी सब्जी है, सारी सब्जियाँ आप इसमें डाल दीजिए एक बाउल में, जो भी आप आपकी पसंद का होता है, साथ में मेयोनीज, और उसके साथ ही साथ पास्ता सॉस। ये हम लोग पिज्ज़ा के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो सब एक बोल में मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक और ऑरेगानो भी इसमें डाल देंगे। ये सारा कुछ जब तक हो गया, अब हमारा जो डो है वो ऑलरेडी रेस्ट पे चला गया था 2 घंटे के लिए, काफ़ी डबल द अमाउंट ये हो गया है बढ़ के। तो इसका हम 4 डो बना लिए हैं। और अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग जैसे चपाती बनाते हैं ना, वैसा ही बिल्कुल चपाती के जैसा इसे बना लेंगे, पर थोड़ा मोटा रखेंगे इसको, बहुत भी पतला नहीं करेंगे। और इसे हम लोग तवे पे दोनों ही साइड अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और कुक होने के बाद इस ये जो चपाती है ना, इसका हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये पिज्ज़ा बेस है बेसिकली। तो अब इसको जो हमारा पिज्ज़ा मिक्स था उसको सारे सब्जियों के साथ मिक्स कर लिए। अब एक कुल्हड़ में, क्ले पॉट है ये मेरा छोटा सा कटोरी, उसमें डालेंगे मिक्स जो पिज्ज़ा का है, सारा मिक्स वेजिटेबल सॉस एंड पिज्ज़ा बेस वाला। उसके बाद इसमें डालेंगे चीज़ जो कि मोज़रेला एंड चेडर चीज़ है, फिर ऑरेगानो एंड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग 2 बार रिपीट करेंगे। इसको अच्छी तरह से पूरा प्रेस करते हुए फिट करेंगे, ताकि जो हमारा पॉट है वो अच्छी तरह से भर जाए पिज्ज़ा से। और फिर ऊपर से चीज़ डाल देंगे, साथ में डेकोरेशन का जो भी वेजिटेबल्स आप डाले हैं ना वो सारा थोड़ा थोड़ा आप बचा के रख लीजिए ऊपर गार्निश करने के लिए। देखिए बन गया ना बिल्कुल मज़ेदार सा। अब हमारी बारी आती है बेक करने की। तो ऊपर में भी अगर आपकी इच्छा हो तो ऑरेगानो डालिए। अब बेक कीजिए आप इसको 180 डिग्री पर, जो कि प्री हीटेड ओवन है, करीब 10 मिनट के लिए। देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है 10 मिनट में, करीब पूरा का पूरा 10 मिनट लगा था। और बस पिज्ज़ा रेडी। तो कुल्हड़ पिज्ज़ा आप खाइए, इन्जॉय कीजिए, और हाँ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें।